गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दूंगा आपको CDP का प्रैक्टिस सेट, और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, HP TGT का है। मगर एक चीज़ याद रखना, इसमें सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, तो आप लोग करना इसे। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति बताना है कि किससे हुई है। तो साइकी और लोगों दोनों से हुई है। मनोविज्ञान किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, ये भी याद रखना, ठीक है। साइकी मतलब क्या होता है बताओ? साइकी मतलब, और लोगस मतलब, लोगस मतलब तो होता है साइंस या विज्ञान, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। साइकी का मतलब होता है आत्मा, तभी तो सबसे पहले किसका आत्मा, किसका विज्ञान था, ये आत्मा का विज्ञान, ठीक है। फिर किसका आया था, फिर आया था आपका मन का विज्ञान, फिर चेतना, फिर आया व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। ये सब याद रखना, सबसे पहले हम आत्मा, फिर मन, फिर चेतना, फिर व्यवहार, ठीक है। तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान, और ये किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का, ठीक है। क्वेश्चन याद रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अब देखो ये पूछ रहा है बहिर्मुखी। देखो युंग ने दो तरीके के व्यक्तित्व बताए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, ये भी याद रखो। और युंग ने ही सामूहिक अचेतन मन का प्रत्यय दिया, और इसी ने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दिया 1910 में, जिसमें 100 शब्द बताए थे इसने। तो देखो जो बहिर्मुखी व्यक्ति होगा ना, वो मैत्रीपूर्ण होगा, सबसे मित्रता रखेगा, तनाव मुक्त होगा, कभी कभी मुक्त की जगह युक्त भी लिख के दे देता है, तो याद रखना युक्त नहीं होगा। बहिर्मुखी मुक्त होगा, अंतर्मुखी युक्त होगा, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, व्यक्तित्व पूछ रहा है, व्यक्तित्व किस शब्द से लिया गया है? तो पर्सनैलिटी किस शब्द से लिया गया? परसोना से लिया गया है। परसोना का मतलब क्या होता है? मुखौटा, मुखौटा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, और ये रोमन है, कौन सा है? जिसका अर्थ रोमन अभिनेताओं के द्वारा पहना जाने वाला मुखौटा, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तित्व विकार कौन सा है? तो देखो मैंने इस क्वेश्चन को कैसे किया, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था, मगर देखो डिस्लेक्सिया व्यक्तित्व तो नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये तो कभी मत लगा के आना। मैंने मेरे MP TET में 112 नंबर क्यों रह गए, मैंने कम से कम 3 क्वेश्चनों में इनमें से कोई नहीं लगा दिया, जबकि ये कभी भी सही नहीं होता। तो जो गलतियाँ मैंने की है ना, आप लोग मत करना। डिस्लेक्सिया तो कभी व्यक्तित्व में हमने पढ़ा नहीं है, कभी भी कुछ नया सा दिखे ना, जैसे सिज़ोफ्रेनिया, ये नया सा है तो इसे ही लगाओ, तो यही आंसर था इसका, ठीक है, ऐसे करना क्वेश्चन अटेम्प्ट। अब ये कह रहा है कि किसके वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान किसका है? वाटसन किसकी बात करता है? व्यवहार की बात करता है, क्योंकि व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन। व्यवहार शब्द किसने दिया था? मैकडूगल ने, ये भी याद रखना। मैकडूगल की किताब है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ये भी याद रख लेना, ठीक है। वाटसन ने अल्बर्ट नाम के बच्चे पर भय का यूज किया था कंडीशनिंग कराने के लिए, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, और मन पे किसने काम किया? पेम्पोलॉजी, ये कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आदर्श शिक्षक किस चीज़ पर ध्यान देगा? देखो आदर्श शिक्षक की बात कर देना, और नीचे उपयुक्त सभी हो, तो आदर्श शिक्षक तो देखो शिक्षण विधि, पढ़ाई जा रही सब चीज़ों पर ध्यान देगा, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट है, अब देखो ये बहुत बार पूछी जाती है, ये जो कोटेशन है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लिमिट से ज़्यादा, इसे जरूर याद रखना। कभी भी अंतर्निहित पूर्णता की बात अगर कर दे, तो उसका किससे आएगा? विवेकानंद से, तो आंसर आएगा ये। अब देखो प्रश्नोत्तरी विधि की शुरुआत किसने करी थी? तो सुकरात ने करी थी, ये याद रख लेना। अरस्तु को ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु, ये भी याद रखना, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, अभी कह रहा है अति संवेदनशील बालक इसमें से क्या प्रदर्शित करेगा? अति संवेदनशील बालक है तो वो आक्रामक ही होगा, क्या होगा? आक्रामक होगा, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम की, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम की 8 शर्तें किसने दी हैं? तो गेने ने दी है, इसकी किताब है कंडीशन ऑफ लर्निंग, कई बार पूछी गई, याद रखना। और एक चीज़ याद रखना, इसने 8 स्टेप बताए थे, सबसे पहला है सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, आखिरी में आती है इसकी कॉन्सेप्चुअल रूल ऑफ प्रॉब्लम लर्निंग, ठीक है। तो 3 और 2 5 बता दी, बीच की 3 रह गई, वो थोड़ा सा दिमाग में लगा लेना, आंसर आएगा इसका बी। अच्छा, BF स्किनर ने किस पर काम किया है बताओ? इन्होंने किया है किस चीज़ पर? एक तो चूहे और कबूतर पर किया है, ये चीज़ याद रखो, ठीक है। और इन्होंने ही बहुत सारी चीज़ें और दी हैं, जिसमें से कि व्यवहारवाद पे काम करते हैं, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट, अब देखो ये वाला मुझे हिंदी में समझ में नहीं आया था, मगर जैसे ही मैंने इंग्लिश में किया था ना, तुरंत मुझे समझ में आने लग गया था कि किस चीज़ के बारे में ये बात कर रहा है। अब देखो नेट थोड़ा सा स्लो है ना, तो दिक्कत करेगा, बस हाँ चलो हो गया। प्रोग्राम्ड लर्निंग, प्रोग्राम्ड लर्निंग की बात करें, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग की बात करें, तो ये सारी किसने दी है? ये सारी बात आती है स्किनर से रिलेटेड, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग कह सकता है, ठीक है, ये भी याद रखना। और क्लासिकल कंडीशनिंग किसकी? पावलोव की, जिसे 1904 में नोबेल प्राइज़ मिला था पैरोटिड ग्लैंड पे काम करने के लिए। थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम दिए, ये भी याद रखना, तत्परता अभ्यास प्रभाव, ठीक है, और इतना याद रखो। इसे ही शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, थॉर्नडाइक को, इन्होंने ही
ठोस सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत, ये सब इन्हीं के ही है। आंसर आएगा इसका बी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है इसमें कि इसमें से कौन सा ये मीनिंगफुल सार्थक अधिगम का एक रूप कौन सा है। तो देखो, विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को स्थानांतरित तथा उपयोग करने की क्षमता, अलग अलग परिस्थितियों में अगर आप अधिगम को यूज कर रहे हो तो वही सार्थक अधिगम। नेक्स्ट, अब देखो रोसा डब्बा ये किससे रिलेटेड था, व्यक्तित्व का ही तो था। अभी इसने कितने तरीके बताए थे, 10 कार्ड थे इसके रोसा डब्बा के में, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व का सबसे अच्छा मूल्यांकन किसके द्वारा होता है, प्रक्षेपी विधियों के द्वारा, ये भी याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान की वो शाखा एक विज्ञान है जिसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो बुंटू को कहते हैं। 1879 लिप्जिंग जर्मनी में इसने लैब खोली थी, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन विधि कौन सी है मनोविज्ञान की, तो ये आत्मनिरीक्षण इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा यूज होती है। नेक्स्ट कह रहा है किसी क्रिया के परिणामों से उत्पन्न किसी क्रिया के परिणामों के अवलोकन किस प्रकार से अधिगम उत्पन्न होता है। तो देखो ये कह रहा है, इंग्लिश में बताता हूँ आपको, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन किस में आते हैं ये, तो ये आते हैं क्लासिकल, ये आते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग में या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, वही स्किनर वाली में, ठीक है, ये भी याद रखना। अच्छा, क्लासिकल कंडीशनिंग जो पावलोव की है ना, उसमें डिलेड कंडीशनिंग सबसे बेस्ट होती है, ये भी याद रखना। ये पूछ लिया था कि कौन सी सबसे अच्छी होती है, तो वो डिलेड होती है, आंसर आएगा इसका सी। नेक्स्ट, कोहलर किससे रिलेटेड, तो कोहलर गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड, 1912 में आया था गेस्टाल्टवाद। इसके जनक कौन है, बर्दीमर, ये भी याद रखना। और ये कहाँ से रिलेटेड है, जर्मनी से, तो इनसाइड थ्योरी इसने दी थी। इसने किस पे, चिंपैंजी पे काम किया था, जिसका नाम था सुल्तान। एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी है, याद रखना। फील्ड थ्योरी कुर्ट लेविन ने दी है, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, MMPI, देखो बीच में PRN, पी से पर्सनलिटी, ये किस में आया था, रीट में भी आया था, और जबकि देखो ये 2017 में आ चुका है एक पेपर में, तो सारे प्रीवियस ईयर पूछे जाते हैं, ये भी याद रखो। नेक्स्ट, ए चाइल्ड इन ए स्कूल इज कॉल्ड प्रॉब्लम चाइल्ड। प्रॉब्लम चाइल्ड किसे कहते हो, जब उसका बिहेवियर ना प्रॉब्लम करे, टू अंडरस्टैंड हिम, ठीक है। नेक्स्ट, पनिशमेंट क्या है, तो पनिशमेंट कोई भी किसी भी तरीके का रीइन्फोर्समेंट नहीं होता, ना ही नेगेटिव होता ना ही पॉजिटिव। देखो रीइन्फोर्समेंट से ना हम किसी भी चीज़ को अच्छा करना चाहते हैं, पॉजिटिव होता है कोई चीज़ दे के, नेगेटिव होता है कोई चीज़ हटा के अच्छा करना, आंसर आएगा सी। ये कोई सा भी रीइन्फोर्समेंट नहीं है। अब ये कह रहा है कि ग्रुप, यहाँ पे मैंने जब ये ग्रुप देख लिया था ना, मुझे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आ रहा था। ग्रुप की बात किस में होती है, मतलब ग्रुप की बात होती है आपकी सोशल से रिलेटेड, तो सोशियोमेट्री लगा दिया था, इसलिए सही हुआ था मेरा ये, ठीक है, इस तरीके से याद रख लो इसे। अब ये कह रहा है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, टेट किसने दिया था, मॉर्गन एंड मुरे ने दिया था। कब दिया था, 1930 में दिया था, ये भी याद रखो। 30 कार्ड थे, 30+1, ठीक है, तो ये सब किसका था, पर्सनैलिटी का था। नेक्स्ट है द कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, किसी में इंडिविजुअल डिफरेंस कैसे होते हैं, तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की वजह से होते हैं। यही तो बात कही थी वुडवर्थ ने कि हम क्या है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि एक डॉक्टर का बेटा एक्सपर्ट डॉक्टर बन जाता है, तो ये क्या है। और एक क्वेश्चन ऐसे और आएगा कि किसका, मतलब कुमार का बेटा अच्छा कुमार बन जाता है, लोहार का अच्छा लोहार बन जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो ये सोशल हेरिडिटी है, ये याद रखना। कभी भी ऐसे कह दे कि उसकी आँखों जैसी उसकी बच्चे की आँखें, तो वो हो जाती है बायोलॉजिकल हेरिडिटी, ठीक है। और जबकि आसपास के सराउंडिंग से कुछ बेहतर बनता है तो उसे कहते हैं सोशल हेरिडिटी। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा, ठीक है, आंसर आएगा बी। तो ये मैंने आपको करा दिए 30 क्वेश्चन, तो बताना ये क्वेश्चन कैसे लगे आपको, ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। इस तरीके से मैं आप चाहूँ तो प्रैक्टिस सेट डेली करा सकता हूँ 30 क्वेश्चन, जिससे आपकी तैयारी बनी रहे, एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिलते रहे और मजबूती आती रहे सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसी लगी ये क्लास, और शेयर करना, सपोर्ट करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।